हेलो गाइस, मैं अशोक कुमार, मेरे एके ट्रिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे, और आज का टॉपिक जो मैंने लिया है वो है टाइप ऑफ बैंक्वेट सेटअप। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी करें और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर करें ताकि उनको भी FMB का नॉलेज मिल सके। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने जो पहले नंबर पे सेटअप लिया है वो है क्लासरूम सेटअप। इस सेटअप के अंदर टेबल्स के रो लगे रहते हैं और हर टेबल के पीछे फेसिंग चेयर्स रहते हैं, और ये सेटअप उन गेस्ट के लिए दिया जाता है जिनके पार्टिसिपेंट जो भी होते हैं उनको कुछ लिखना होता है और या तो कुछ टीचिंग इवेंट्स रहता है, उनके लिए इस टाइप का सेटअप दिया जाता है। और इस प्रकार का सेटअप क्लासरूम के सेटअप के जैसे दिखने से एक क्लासरूम सेटअप कहलाता है। और दूसरे नंबर पर जो सेटअप लिया है वो है होलो स्क्वायर सेटअप। होलो स्क्वायर सेटअप में टेबल के स्क्वायर बनाए जाते हैं और टेबल के बाहर साइड से चेयर लगाए जाते हैं, और इस टाइप के सेटअप कॉन्फ्रेंस या मीटिंग के लिए यूज करते हैं जिसमें पार्टिसिपेंट को कुछ लिखनी होती है। और इस टाइप की मीटिंग जो होती है लॉन्ग टाइम के लिए भी रह सकती है और मे बी शॉर्ट टाइम के लिए भी रह सकती है। और गाइज, मैं तीसरे नंबर पे जो सेटअप लिया हूँ वो है थिएटर स्टाइल सेटअप। ये जो सेटअप होता है ये सेम टू सेम थिएटर के जैसा दिखने वाला सेटअप होता है जिसमें टेबल्स नहीं होते हैं, ओनली चेयर्स होते हैं जो एक रो में लगे होते हैं। इस टाइप का सेटअप उन गेस्ट के लिए दिया जाता है जिनके नंबर्स ऑफ पीपल्स ज़्यादा होते हैं और जिनको शॉर्ट लेक्चर या तो शॉर्ट प्रेजेंटेशन करनी होती है। और इस टाइप का इवेंट ज़्यादातर शॉर्ट टाइम के लिए होता है। इस टाइप के इवेंट जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं। और गाइस, जो मैं चौथे नंबर पर सेटअप लिया हूँ वो है टी शेप सेटअप। टी शेप सेटअप में टेबल का टी शेप बनाया जाता है और इसके दोनों साइड से चेयर्स लगे होते हैं, जैसे कि बगल में दिए हुए पिक्चर में आप देख रहे हैं। और गाइस, जो पांचवे नंबर पे मैंने जो सेटअप लिया है वो है बैंक्वेट स्टाइल सेटअप। बैंक्वेट स्टाइल सेटअप ज़्यादातर मैरिज इवेंट, रिसेप्शन या बड़ी पार्टियों के लिए दिया जाता है। और इस टाइप के सेटअप में 6 इंच के या तो 78 इंच के राउंड टेबल लगे रहते हैं जिनके चारों तरफ 6 से 8 चेयर्स लगे होते हैं। और इस टाइप के सेटअप शॉर्ट ग्रुप डिस्कशन के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये टेबल्स गेस्ट खाने के लिए भी यूज कर सकता है इस इवेंट्स में। और मैं जो छठवें नंबर पर सेटअप लिया हूँ वो है यू शेप स्टाइल सेटअप। यू शेप स्टाइल सेटअप में टेबल के यू शेप बने होते हैं और उसके बाहर साइड से बहुत सारी चेयरें लगी रहती हैं, और इस टाइप का सेटअप उन गेस्ट के लिए दिया जाता है जिनको शॉर्ट मीटिंग करनी होती है या शॉर्ट इवेंट होता है जिसमें पार्टिसिपेंट को कुछ लिखनी होती है। और इस टाइप के सेटअप में गेस्ट में भी टेबल पे भी खाने के लिए यूज कर सकता है। और गाइज, मैंने जो लास्ट और सातवां जो मैंने सेटअप लिया है वो है बोर्डरूम स्टाइल सेटअप। बोर्डरूम स्टाइल सेटअप को कॉन्फ्रेंस सेटअप भी बोलते हैं। इस टाइप के सेटअप में टेबल का पेयर रहते हैं जो एक दूसरे से ज्वाइंट रहते हैं और उसके चारों तरफ चेयरें लगी रहती हैं। तो गाइज, मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाने से पहले मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।